सभी भक्तों को माँ विंध्यवासिनी की जय। माँ विंध्यवासिनी माता की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी आशा और उम्मीद से इस नए वीडियो में मैं आप सभी को माँ विंध्यवासिनी माता के दर्शन करवाने वाला हूँ और दर्शन के साथ साथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी, जैसे यहाँ तक कैसे पहुँचना है, रहने खाना और टोटल समय और टोटल क्या बजट होने वाला है, संपूर्ण जानकारी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद त्रिकोणी दर्शन कैसे करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसके द ट्रेवलर में। और अगर आप भी माता के दर्शन करने के लिए विंध्याचल जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आप अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। सो भक्तों, पुराणों के अनुसार माँ विंध्यवासिनी ने महिषासुर का वध करने के लिए यह अवतार लिया था। विंध्याचल मिर्जापुर जिले के गंगा के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने के बाद अष्टभूषा देवी और काली खो माता मंदिर, जो कि त्रिकोणी दर्शन होता है, करना आवश्यक होता है। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता दी। सो दोस्तों, आप देख सकते हो माता के दर्शन करने के लिए हम लोग आ गए हैं और फाइनली दर्शन भी हो गए हैं। काफ़ी दिनों के सोचने के बाद, प्लानिंग करने के बाद फाइनली आज हम माता के दर्शन करने के लिए विंध्याचल आ गए हैं। सो मैं आपको इस वीडियो में विंध्याचल से जुड़ी हुई हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि माता के दर्शन आपको कैसे होंगे, आपको कैसे पहुँचना है यहाँ पे, खाने पीने की क्या सारी व्यवस्था है, आप यहाँ पे कैसे कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पे कैसे पांडवों से और दलालों से आपको बचना है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। माता के दर्शन हो गए हैं और मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल आगे बताने वाला हूँ। आज भीड़ नहीं थी, दर्शन अच्छे से हो गए हैं। सो दोस्तों, मिर्ज़ापुर नाम तो सुना ही होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे विंध्याचल कैसे पहुंचना है या विंध्याचल पहुंचने के सारे विकल्पों के बारे में। वैसे तो यहाँ आने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो विंध्याचल है और सभी जगहों से ट्रेनें यहाँ के लिए मिल जाती है। फिर भी अगर यहाँ के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मिर्ज़ापुर आ सकते हैं और मिर्ज़ापुर से 8 किलोमीटर का सफ़र बाय ऑटो या रिक्शा से आप 30 रुपीज़ शेयर्ड ऑटो या फिर 150 से 200 रुपया रिजर्व करके आप पहुँच सकते हैं। विंध्याचल वाराणसी से 70 किलोमीटर, मुगलसराय और इलाहाबाद से 85 किलोमीटर की दूरी पे है और इन तीनों बड़े शहरों से बस और ट्रेन की सुविधा बहुत अच्छी है। आप यहां से भी उतरकर 2 से 2.5 घंटे में आप विंध्याचल पहुंच सकते हैं। वैसे हम लोग भी दिल्ली से मिर्ज़ापुर ही आए थे क्योंकि हमें विंध्याचल की कोई भी ट्रेन का टाइम सही से मैच नहीं किया, इसलिए हम मिर्ज़ापुर 2 बजे अर्ली मॉर्निंग में पहुँच गए थे। आज सुबह सुबह 4 बजे हम लोग मिर्ज़ापुर स्टेशन पे आ गए थे और मिर्ज़ापुर से हम लोग 15 से 20 मिनट लगे हम लोग ऑटो से माँ विंध्यवासिनी माँ के मंदिर के पास आते जाते, और वहाँ पे आके हमने मंदिर के पास में ही दुकान पे हमने वाले फ्रेश हुए और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे ही गंगा घाट है, गंगा घाट पे हम लोग यहाँ आ गए थे स्नान करने के लिए। अब यहाँ स्नान करके अब हम लोग स्नान करके यहाँ से जा रहे हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हैं दीवान हज। सो दोस्तों, 2 बजे मिर्ज़ापुर उतरने के बाद हम 2 से 2.5 घंटे वहीं पे हम लोग वेट किए क्योंकि काफ़ी अंधेरा था और लोगों ने जाने के लिए मना कर दिया, और 4:30 बजे वहाँ से हम लोग बाई ऑटो 100 रुपीज़ पे करके हम लोग विंध्याचल मंदिर के पास आ गए और वहीं पे किसी शॉप में सारा सामान रखने के बाद पहले हम लोग वहाँ पे फ्रेश हुए, काफ़ी बढ़िया जगह हमें मिल गया था और उसके बाद हम गंगा किनारे आ गए हैं स्नान करने के लिए। अभी हम लोग माँ विंध्यवासिनी मंदिर के पास में गंगा नदी किनारे आ चुके हैं और ये अभी सुबह 6 बजे का टाइम है और भीड़ भाड़ नहीं है। जैसे जैसे दिन खुलता जाएगा यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाती है, अभी उतनी भीड़ नहीं है, अभी घाट बिल्कुल खाली है, साफ सुथरा है फिलहाल। अभी तो अभी पानी का लेवल भी काफ़ी नीचे है, जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा पानी लेवल और नीचे होता जाता जाएगा। ये देखो चुंबक से नदी में जो लोग पैसे फेंकते हैं उस पैसे को छोटू मेहनत करके जो लोग क्वाइंस गंगा नदी में फेंकते हैं उसको चुंबक के माध्यम से रस्सी से बांध कर देखते हैं कुछ निकलता है कि नहीं निकलता है इनके चुंबक में। कुछ नहीं निकला, देख सकते हो यहाँ पे लकड़ी के तख्त बने हुए हैं जहाँ पे अपना सामान रख के आप नहा सकते हैं।
ये जगह जगह बने हुए हैं ऐसे, और छोटे छोटे यहाँ लेडीज़ के लिए कपड़े चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, तो लेडीज़ यहाँ पे अपने कपड़े भी चेंज कर सकती हैं। और जगह जगह यहाँ देखो यहाँ पे चक्कर बने हुए हैं, यहाँ पे रख के अपना सामान, लेकिन सामान की सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी है। अभी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है तो सामान की सुरक्षा अपना रखना बहुत ज़रूरी है। सामान छोड़ के आप नहाने ना जाए, और यहाँ पर नौका विहार भी आप कर सकते हैं। तो अभी नाव नहीं चल रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन खुलता है यहाँ पर नाव चलनी शुरू हो जाती है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे सुबह 6 बजे पानी में स्नान करने के लिए कूद पड़े हैं। पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है, पानी गर्म है, तो नहाने में आप डरे ना, सोचे ना कि पानी ठंडा होगा कैसे नहाए, आप बिल्कुल नहा सकते हैं। सुबह 6:30 बजे का टाइम, और हमको नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। सूर्य भगवान बिल्कुल निकल चुके हैं, कितने सुंदर पानी में कितनी प्यारी व्यू देखने को मिल रहा है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ सामने का। यहाँ का घाट बिल्कुल साफ़ सुथरा है, पानी बिल्कुल साफ़ है, बालू वाला पानी नहीं है, देख सकते हो। वैसे हम बनारस रससू में घाट पर जब नहाए थे तो वहाँ का पानी साफ़ नहीं था, लेकिन यहाँ का पानी बिल्कुल साफ़ है, और सूर्य की रोशनी, सूर्य भगवान बादलों से निकल चुके हैं, उनकी रोशनी जब पानी में पड़ी तो कितनी प्यारी लग रही है। घाट पर धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, और ये मेन घाट है, पक्का घाट है, देख सकते हैं। अभी इसका काम जोर शोर पे चल रहा है, क्योंकि कॉरिडोर का काम चल रहा है, तो साथ में घाट का काम काम चल रहा है, काफ़ी बढ़िया घाट है। भक्तों, अगर आप भी जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, या जो लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, पहले गंगा स्नान करते हैं और फिर गंगा मैया की पूजा आरती करके ही माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और माता जगत जननी का मंदिर गंगा के किनारे स्थित है, सो यह नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है, और ऐसा करने से मन को बहुत ही शांति और सुख मिलता है। सो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोगों ने भी गंगा स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा अर्चना और आरती किए, और उसके बाद हम लोग माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। सो सब कुछ करने में लगभग हमें 1 घंटे का समय यहाँ पे घाट पे ऑलमोस्ट लग गया। भक्तों, वैसे आज भीड़ भाड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही क्राउड देखने को मिलता है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे मुंडन कराने आते हैं, जो कि मुंडन कराने के लिए यहाँ पे काफ़ी मन्नतें लोग मानते हैं और यहाँ पे आते हैं। नवरात्रि में तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि खड़े होने की लोगों को जगह तक नहीं मिलती है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे रहने की। तो मोस्टली लोग यहाँ पे अगर आते हैं तो रुकते नहीं हैं, दर्शन करके वो लोग वापस चले जाते हैं, और जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं वहीं पे अपना सामान आप रख सकते हैं, और वहीं पे आपको टॉयलेट और फ्रेश होने का भी सारी सुविधाएं मिल जाती है। सो आप वो देखकर आप अपने सामान रख सकते हैं। जब अर्ली मॉर्निंग हम लोग मंदिर के पास पहुँचे तो सारी दुकानें बंद थी और एक एक करके ओपन हो रही थी, तो हम लोग भी ने अपना सारा सामान एक दुकान पर रखकर फ्रेश होने के बाद गंगा स्नान करने चले गए, और शॉप से घाट लगभग 200 मीटर की दूरी पर था। सो दोस्तों, देख सकते हैं ये है हमारी शॉप जहाँ पे हमने अपना सामान रखा था, और ये शॉप नंबर 80 है। आप भी इस तरह से अपने इस दुकान को पहचान सकते हैं, यहाँ पे हर दुकानों पे शॉप नंबर लगा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे अपनी इच्छा अनुसार, उसके बाद फिर हम दर्शन करने के लिए मंदिर जाएंगे। प्रसाद लेने के बाद अब हम लोग भी दर्शन करने के लिए निकल गए हैं। मंदिर दुकान से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही है, और आप देख सकते हैं अभी भी कॉरिडोर का काम चल रहा है, मंदिर का काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, और ये एक पहले पतली गलियां हुआ करती थी, यहाँ से होकर हम मंदिर के लिए जाते थे, बट इसे अब तोड़ के दुकानों को दूर दूर कर दिया गया है और रास्ते को चौड़ा कर दिया गया है। देख सकते हैं अभी भी कॉरिडोर का काम कितना तेज़ी से चल रहा है, और कुछ ही दिनों में बनकर काफ़ी सुंदर ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। नहाने के बाद हमने जहाँ पे सामान रखा था वहीं से हमने प्रसाद ले लिया है। प्रसाद हमें लगभग 220 रुपये का प्रसाद, सब कुछ चुन्नी नारियल और सारा जितने भी माल का श्रृंगार होता है सब कुछ मिला के 220 का प्रसाद पड़ा है, और ऊपर से हमने 150 रुपये का अलग से हमने माता के लिए चुन्नी लिया है। और ये देख सकते हैं प्रसाद, ये पूरा 220 का प्रसाद है। सो आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी है प्रसाद ले सकते हैं।
सो देख सकते हैं मंदिर के बिल्कुल मेन गेट के पास आ गए हैं, और मंदिर का कॉरिडोर का काम जब पूरा होगा तो काफ़ी ब्यूटीफुल अमेजिंग व्यू देखने को आपको मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको मंदिर में जाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें बता दूं कि मंदिर में आप जाते हैं तो बेफिजुल वहां के पंडितों से आप बात ना करें, उनके बहकावों में ना आएं, क्योंकि वो आपको बहुत सारी बातें बताकर पैसे हटने की कोशिश करेंगे, पूजा पाठ कराने के लिए आपको ये कर लो वो कर लो ये आपको करेंगे। और आप जहाँ से प्रसाद लेते हैं वहाँ पर भी आप सावधानी बरते, आपको क्या सामान लेना है आप केयरफुली आप चेक करें क्या ले रहे हैं कितने का ले रहे हैं, एक एक चीज़ सावधानी से लेकर ही प्रसाद लें, अन्यथा ये बेफिजुल आपको बहुत सारी चीज़ों ऐड करके आपसे पेमेंट ले लेते हैं, और जो भी पेमेंट देना है आपको तुरंत के तुरंत देकर ख़त्म करें, बात के लिए ना रखें। सो कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान रखें, किसी के भकाओं में ना आए, अन्यथा ये आपसे पैसे ऐंठने के लिए कुछ भी आपसे बोलते रहते हैं। सो इन सभी बातों का ध्यान रखें। जय माता दी। और जहाँ पे आप अपना प्रसाद लेते हैं सामान रखते हैं तो अपनी स्वेच्छा से ही प्रसाद लें, उनके दबाव में ना लें, और इस बात का सामान रखने से पहले ही क्लियर कर लें ताकि बाद में कोई भी विवाद ना हो। सो जो भी आप कार्य करें पहले से जांच परख करें, सावधानी बरतें। और आप देख सकते हैं हम मंदिर परिसर में आ गए हैं, ये है माता का मंदिर, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, अभी भी ये पुराना मंदिर है, इसके चारों तरफ कॉरिडोर का काम चल रहा है, और देख सकते हैं मंदिर में अभी कोई क्राउड नहीं है। अब तो बहुत से मंदिरों में मैं दर्शन करने के लिए जाता रहता हूँ, लेकिन जितनी मनमानी पंडितों की मुझे यहाँ पे देखने को मिली उतनी मनमानी मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पे बहुत सारे पंडित आते हैं, हम VIP दर्शन करवा देंगे, हम ये पूजा कराएंगे, चुन्नी चढ़ाने कितने दे दो, प्रसाद चढ़ाने कितने दे दो, बहुत सारी मनमानी करते हैं और तंग करते हैं, क्योंकि हम लोग दूर से जाते हैं। तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों मंदिर में अब हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं, और दर्शन करने में हमें समय नहीं लगा, 15 से 20 मिनट दर्शन हो जाने चाहिए थे क्योंकि मंदिर में भीड़ बिल्कुल नहीं था, लेकिन पंडितों की मनमानी की वजह से हमें आधे घंटे से ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि वो उन्होंने हमें रास्ता रोक रखा था, क्योंकि ये बार बार VIP दर्शन कराने के लिए लोगों को ले आ रहे थे, उनसे पैसे ऐंठ रहे थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर दर्शन करने में टाइम लग गया। और यहाँ पर 2 एग्जिट गेट है और 2 एंट्रेंस भी है, 1 VIP लाइन अलग से है जहाँ से पंडित आपको VIP दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं और आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं। और ये माँ के मंदिर के छत पे हम आ गए हैं और परिक्रमा कर रहे हैं, ये माँ का मंदिर का मेन ध्वजा। काफ़ी पुराना था, लेकिन कुछ ही दिन पहले ये यहाँ पे कॉरिडोर का काम पूरा तो नहीं कह सकते, अभी कॉरिडोर का काम यहाँ पे चल रहा है और जल्द ही कॉरिडोर का काम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। काफ़ी खूबसूरत मंदिर हो गया, ये पुराना मंदिर था लेकिन अब कॉरिडोर में बदल गया है। योगी जी कुछ दिन पहले ही इस मंदिर का उद्घाटन कर चुके हैं और दोबारा इस मंदिर का उद्घाटन करने आने वाले हैं, कुछ काम अभी भी पेंडिंग है। तो ये माता का मंदिर और दर्शन हमारे हो गए हैं, दर्शन करने के बाद अब मैं आपको सारी डिटेल यहाँ की एक एक करके बताऊँगा कैसे कैसे यहाँ पर त्रिकोणी दर्शन होता है,
तो तीनों माता के मंदिर के दर्शन में कराऊंगा। माता का मंदिर पहले से काफ़ी खूबसूरत हो गया है, पहले पुराना मंदिर था, लेकिन जब से कॉरिडोर काम यहाँ पे चल रहा है या पूरा हो गया है तब से माता का मंदिर काफ़ी खूबसूरत हो गया है। और जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने आए थे, अराउंड 6 बजे के आसपास हम लोग दर्शन करने आए थे, तो उस समय इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया यहाँ पे भीड़ बढ़ती गई, और जब हम लोग बाहर दर्शन करके निकले तो काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी, काफ़ी भीड़ थी। अब यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे त्रिकोणी दर्शन करने, जो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि ऑटो वगैरह क्या मिलता है, कैसे मिलता है। तो अगर ऑटो मिलता है, शेयर्ड ऑटो या फिर हम लोग जो भी ऑटो होगा उससे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर वापस जाएंगे। और सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि आप कैसे रह सकते हैं यहाँ पे, अगर आते हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा यहाँ पे रुकने का। अगर आप यहाँ आते हैं दर्शन करके अगर तुरंत जाना है तो सबसे बेस्ट है, बेस्ट आपके लिए ये रहता है कि अगर आप यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और आपको दर्शन करके तुरंत यहाँ से अगर जाना होता है तो उस केस में आपको होटल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकान ऐसी मिलते हैं जो आपको यहाँ पे नहाने और फ्रेश होने के लिए आपको रखते हैं, बस उनके यहाँ से आपको प्रसाद लेना है। और प्रसाद भी ऐसा नहीं कि आपको उनकी इच्छा से, अपनी इच्छा से जो भी आपकी इच्छा अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने बजट को बजट ट्रिप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको होटल लेने की, कोई ज़रूरत नहीं। सो दोस्तों अब बात करते हैं नाश्ते की। तो सुबह खाने पीने में आपको ज़्यादा कोई हाईफाई फास्ट फूड वगैरह नहीं मिलेगा, नॉर्मली यहाँ पे समोसे और यहाँ पे पूरी सब्जी मिलती है। सो यही खाकर आपको रहना पड़ सकता है अगर आप ज़्यादा हाईफाई या फास्ट फूड खाने के अगर आदी हैं। तो देख सकते हैं पूड़ियाँ काफ़ी स्वादिष्ट यहाँ पे टेस्टी बनती है। ये है हमारा सुबह का नाश्ता, 30 रुपये में 6 पूड़ी और सब्ज़ी, देख सकते हैं सब्ज़ी की टेस्टी काफ़ी टेस्टी लग रहा है। और ये हमारा हीरो मुँह फुला के बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों। अब हम लोग माँ विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने के बाद जा रहे हैं काली को माता मंदिर दर्शन करने और अष्टभुजा माता के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। और हमने यहाँ से ऑटो लिया है, 200 रुपये ऑटो में हमें भैया दो जगह घुमाएंगे और लाकर वापस हमें यहीं पे छोड़ देंगे। तो चलते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं और वहाँ की सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करता हूँ। माँ विंध्यवासिनी मंदिर एक शक्तिपीठों में से एक है और यह महालक्ष्मी जी को समर्पित है। उसी तरह काली खो मंदिर महाकाली और माँ अष्टभुजा देवी मंदिर, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वो महा सरस्वती जी के लिए समर्पित है। विंध्यवासिनी मंदिर से काली खो मंदिर आने में ऑटो से हमें 15 से 20 मिनट ही लगे और हम मंदिर के मेन गेट पर पहुँच गए। सो दोस्तों माता के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं और भीड़ नहीं थी, जल्दी दर्शन हो गए। और दर्शन करने के बाद आप भी 50 रुपीज़ का यहाँ से टिकट लेकर आप रोपवे का मज़ा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। रोपवे से ऊपर जाकर आप उसी टिकट में वापस आ सकते हैं। सो हमने टिकट ले लिया है, 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, बच्चे का हाफ लगा है दोनों तरफ जाने का। और यहाँ से रोपवे से हम रोपवे होते हुए आप देख सकते हैं वहाँ पर जाएंगे जहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करके फिर रोपवे से हम नीचे आएंगे। और ये हमारा दरवाज़ा बंद, हम लोग 4 लोग बॉक्स में बंद हो गए हैं, साथ में हमारे अंकल जी हैं और हम इतना लगातार एक आदमी टॉयलेट कर रहा है, दो रोपवे जा रही है दो। और यहाँ से देख सकते हो काली खो माता का मंदिर, एक पुराना जंगल एरिया एक तरह से है, काफ़ी जंगल एरिया है। और वहाँ से हम लोग रोपवे के माध्यम से आए थे और वो है काली खो माता का मंदिर, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये है काली खो माता का मंदिर, यहाँ से काफ़ी अमेजिंग व्यू है। और ये देखो फिर रोपवे स्टार्ट हो रही है वापस जाने के लिए, और रोपवे से उतर के अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर कोई मंदिर है वहाँ पर हम लोग देखते हैं, विजिट करते हैं और फिर रोपवे से हम लोग फिर वापस नीचे जाएँगे और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे अष्टभुजा माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर, अच्छा ये मंदिर है हनुमान जी का,
अच्छा। देखो इसको ज्यादा एक्साइटमेंट है रोप वे में घूमने का। अब दर्शन करके हम लोग वापस जा रहे हैं। सो अब हम लोग कालीखो माता मंदिर दर्शन करने के बाद जा रहे हैं अष्टभुजा देवी के दर्शन करने के लिए, जो कि विंध्याचल मंदिर से 8 किलोमीटर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ से आपको पैदल चल के कुछ दूर जाना होगा और वहाँ से लगभग 80 से 90 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके माता के दर्शन करना होता है। और वैसे आप यहाँ से रोपवे भी लेकर ऊपर जा सकते हैं, जो कि रोपवे का चार्ज 70 रुपया पर पर्सन है, तो रोपवे भी लेकर आप जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी चल रहे हैं पैदल और सीढ़ियों से दर्शन करने के लिए ऊपर जाएंगे। सो भक्तों, फाइनली दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। और अष्टभुजा माता का जो मेन मंदिर है वो एक गुफा के अंदर है, जहाँ पे झुक कर नीचे जाना होता है और दर्शन करके आपको बाहर निकलना होता है। यहाँ पे भी पांडवों का जो जबरदस्ती मनमानी चल रहा था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम लगे दर्शन करने में। और ये देख सकते हैं ये रोपवे से आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं और पूरे पहाड़ और जंगल का व्यू देख सकते हैं और वहाँ से नीचे आकर दर्शन कर सकते हैं और फिर उसी टिकट पर रोपवे से आप नीचे जा सकते हैं। सो रोपवे का ऑप्शन भी यहाँ पे बेटर है, कोई भीड़ भाड़ नहीं होता है। सो आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप उस ऑप्शन से यहाँ पे आकर दर्शन करके वापस जा सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको माता के त्रिकोणी दर्शन करवा दिए। और दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय माता, थैंक यू सो मच।